रोजाना राशिफल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों आइए यहाँ जानते हैं किन राशि के जातकों को लाभ होगा और किन्हें मिलेगी खुशखबरी। आज भगवान श्री सूर्य देव जी की कृपा किन राशि जातकों पर होगी और कैसा रहेगा आज का दिन, आइए यहाँ जानते हैं। रविवार 13 जून 2021 को आपका दैनिक राशिफल कैसा रहेगा, किन्हें मिलेगी सफलता और कौन से जातक रहेंगे दिक्कत में, आइए यहाँ जानते हैं। और आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगी, चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। 13 जून 2021 दिन आज रविवार का है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि बन रही है। यह रात्रि के 9:40 तक चलता रहेगा और इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगी पुनर्वसु। यह शाम के 7:01 तक चलता रहेगा और इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का सूर्य उदय का समय यह सुबह के 5:44 पर होगा और सूर्यास्त होगा ठीक शाम के 7:09 पर। सूर्य राशि रहेगा वृषभ राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा आज मिथुन राशि इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा, जो कि यह ठीक दोपहर के 12:32 तक चलता रहेगा। अर्थात आज के दिन का शुभ समय यह दोपहर के 12 बजे से लेकर ठीक 12:53 तक चलता रहेगा। आज का राहु काल का समय यह शाम के 5:28 से लेकर ठीक शाम के 7:09 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह के नए और शुभ कार्य की शुरुआत आप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की। जी हाँ, हम आपके दैनिक राशिफल की बात कर रहे हैं। कर्क राशि वालों को आज हम बताना चाहेंगे आपका भाग्य बुलंद रहेगा और सकारात्मक सोच बढ़ेगा। हम आपको बता दें स्वभाव में सलिलता देखने को मिलेगा और इसके चलते आपको फायदा भी होगा। हम आपको बता दें यह समय विरोधी नुकसान कर सकती है, इसलिए विरोधियों से सतर्क रहें और उनसे दूरी बना के रखें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और यह समय कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है और आपके निवेश पर अच्छा लाभ मिलेगा। हम आपको बता दें छात्रों को कामयाबी मिलेगी और किसी मित्र से आज आपको मुलाकात होगी। हम आपको बता दें यात्रा करते वक्त आप सतर्क रहें, अन्यथा आपके साथ नुकसान होगा और आपके साथ धोखा भी हो सकता है। पुराने मामलों का समाधान होगा और जीवन साथी से मदद मिलेगी। यह समय धर्म कर्म में मन लगेगा और किसी की मदद करेंगे आज के दिन। हम आपको बता दें आज के दिन संतान पक्ष को कामयाबी मिलने से प्रसन्नता बढ़ेगी और रिश्तेदारों से मतभेद जो है वो समाप्त होने की उम्मीद है। हम आपको बता दें अनावश्यक खर्च न करें और फिजूल की खर्चों पर सतर्क रहें। आज आपको फिजूल की खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। हम आपको बताना चाहेंगे आज का दिन आपके लिए परेशानी और कठिन समस्याओं वाला हो सकता है। हम आपको बता दें काम के दौरान आप वैचारिक मतभेद को लेकर अपने सहयोगियों के साथ संघर्ष में आ सकती है और इसलिए आपको व्यवहारिक रहने की आवश्यकता है। हम आपको बता दें यह समय आर्थिक तंगी पूर्व में विकसित किए गए
अच्छे समीकरणों में आज के दिन कर्क राशि वाले आज एकाग्रता बनाए रखें और समाज परिवार में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। हम आपको बता दें, विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी सोच बदलनी होगी और कई नई रणनीति बनानी होगी। हम आपको बता दें, आप अपने लक्ष्य से मत भटकिए, बातचीत में संयम बरतें तथा वह वाद विवाद से बचें। हम आपको बता दें, दूसरों की राय को गौर से सुने और आप किसी अजीब स्थिति में पड़ जाएं तो कुछ भी बोलने से पहले सोच लें। हम आपको बता दें, आवेश पर नियंत्रण रखें और शरीर में फुर्ती एवं प्रफुल्लता का अभाव रखें। हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप व्यापारी हैं तो आज के दिन एक अच्छा समझौता हाथ में आ सकता है। अगर आप भगवान श्री सूर्य महाराज का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सच्चे मन से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्य महाराज जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।